सम्मानित और प्रिय श्रोताओं, जो हमसे बड़े हैं वो हमारे सम्मानित हैं, जो छोटे हैं वो प्रिय हैं। आज कोरोना के इस भयभीत करने वाले वातावरण में अशोक जयंती और अंबेडकर जयंती के बाद अब बुद्ध जयंती आई है। इसे कैसे मनाना है, क्या सावधानियां बरतनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। कई हमारे मित्र प्रश्न कर सकते हैं, ये धार्मिक विषय पर एक उपासक इन बातों को कैसे कह सकता है। बौद्ध धर्म ऐसी कोई मर्यादा नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। आज हम आपके आने से पहले इस देश के बहुत गतिशील भिक्खु, प्रज्ञावान भिक्खु, कभी भी चैन से ना बैठने वाले और हर समय धर्म के प्रचार में लगे रहने वाले भिक्खुओं से हमने चर्चाएं की। बनते पूज्य पूज्य बनते चंदीमा, जो सारनाथ में भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, उनसे भी हमने चर्चा की और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके हम आपके सामने आए हैं। उनकी अनुमति प्राप्त करके आपके सामने आए हैं और ये बताने आए हैं कि आज के दिन का महत्व बताएंगे, फिर उसके बाद इस लॉकडाउन के समय में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा को अक्सर कहा जाता है त्रिविध पावनी पूर्णिमा। त्रिविध पावनी, त्रिविध क्या होता है? त्रिविध का मतलब है तिहरी, तीन परत वाली। जैसे ये रुमाल की एक परत हो गई और ये रुमाल की तीसरी परत हो गई, तो ये त्रिविध रुमाल हो गया, तीन फोल्ड वाला। तो ऐसे ही ये जो बुद्ध पूर्णिमा है इसके भी तीन चरण हैं। कैसे हैं तीन चरण? तीन प्रकार से पवित्र क्यों है? आज के दिन सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ, आज के दिन उनको ज्ञान लाभ हुआ, आज के दिन उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन की, उनके जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की जो जीवन यात्रा है वो इन तीन जयंतियों में समाई हुई है। आइए अब एक एक दिन पर हम महत्व डालते हैं। बड़ा विलक्षण जन्म सिद्धार्थ का, जब उनकी माताजी को गर्भधारण हुआ तो सुद्धोधन की आयु 49 वर्ष की थी। बहुत दिनों तक उपचार किया, बड़े जतन किए कि कोई राजकुमार पैदा हो। अंततः 49 वर्ष की उम्र में सुद्धोधन के घर में बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म से पहले जैसे कि परिपाटी थी उस समय, और आज भी उस परिपाटी के कुछ लक्षण समाज में आज भी विद्यमान है कि जब विवाह के पश्चात पुत्री को गर्भधारण होता है तो पहली प्रसूति, पहली डिलीवरी मां के घर जाकर कराते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, देखभाल की जरूरत होती है। और ऐसा माना जाता है कि मां से अधिक चिंता, मां से अधिक सेवा ऐसी घड़ी में कोई दूसरा कर नहीं सकता। मां सबसे बड़ी नर्स के रूप में बेटी की सेवा करती है, इसलिए उस पुत्री को अपने मायके वाले बुला लेते हैं अपने यहां। जब माता महामाया का गर्भ परिपक्व हुआ तो उन्होंने महाराज सुद्धोधन से कहा कि
कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूं। महाराज अशुद्धोधन ने तुरंत उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, उनके लिए पालकी सजाई गई, मात्या मात्य सैनिक तैयार किए गए, अंगरक्षक तैयार किए गए और उनकी जो बहन थी प्रजापति गौतमी उनको भी तैयार किया गया कि आप जाइए और ये जो रोहिणी नदी के पार में देवदहा कहते हैं सरोवर को, और देव कहते हैं विद्वान पुरुष, चरित्रवान पुरुष, तो चरित्रवानों की नगरी थी इसलिए वो देवदहा कहलाती थी। उन्होंने कहा जाओ इसके माता पिता से इसकी भेंट करा लाओ और वहीं प्रसूति जब होगी तो ये आ जाएंगे। जब वो जा रहे थे, अभी रोहिणी नदी तक भी ना पहुंचे थे, तो मार्ग में एक उद्यान था, उसका नाम है लुम्बिनी। देखिए कैसी विचित्र संयोग सिद्धार्थ के जीवन का। ये जो लुम्बिनी वन था ना, ये बफर स्टेट थी। बफर स्टेट का मतलब ये हुआ कि उस पर ना तो देवदाह का अधिकार था और ना कपिल वस्तु का अधिकार था, वो किसी भी अधिकार से किसी के भी अधीन नहीं थी, स्वतंत्र टेरिटरी थी। जब महामाया की पालकी वहां से गुजरी और लुम्बिनी वन की छटा देखी तो देखती ही रह गई। पक्षियों की सुरीली चहचहाट ने उनका मन मोह लिया, हवा के ठंडे ठंडे झोंके उनको ठग लिया, और जो वहां का लैंडस्केपिंग थी, जो दृश्य था, जो नजारा था, वो फूलों से लदे हुए वृक्षों और वल्लरियां उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। महामाया ने कहा, अपनी दासियों से कहा, अपनी बहन से कहा कि मैं इस उद्यान में जाऊंगी। उन्होंने कहा ओके राइट, चलो हम भी चलते हैं। सब गए एक वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। उन्हें लगा कि अब मेरा गर्भ का उत्थान होने वाला है, कोई पीड़ा नहीं हुई। एक हवा का झोंका आया, पेड़ की टहनी नीचे को आई, उन्होंने वही टहनी पकड़ ली, उसको पकड़े पकड़े ही खड़े खड़े ही उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। बालक जिसको बाद में सिद्धार्थ कहा गया। सिद्धार्थ इसलिए कहा गया कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, सारे अर्थ सिद्ध हो गए, क्योंकि बहुत दिनों तक विवाह के पश्चात उनको संतान प्राप्त नहीं हुई थी। ये उनके जन्म की स्थिति है। और जो उनको बुद्धत्व लाभ हुआ, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था और 6 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में वो लगे रहे। बहुत सारे दार्शनिकों के पास गए, विद्वानों के पास गए, आचार्यों के पास गए, उनसे अपनी शंकाओं का समाधान चाहा, कुछ समाधान हुआ कुछ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा उन्होंने स्वयं तपस्या करके, साधना करके ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया और उरुवेद, जिसको हम आजकल पावन बोध गया कहते हैं ना, बुद्ध गया नहीं, बोध गया, क्योंकि वहां जो बुद्ध को बोध मिला था, बुद्ध तो लाभ हुआ था, वो सारी दुनिया में गया। वहां उन्होंने सुजाता की खीर खाई एक दिन पहले, 49 कोर खाने के बाद उन्होंने निरंजना नदी पार की। श्रोणिक ने उनको 8 पूले घास के छोटे छोटे बंडल दिए ताकि इसके ऊपर बैठ करके साधना कर सकेंगे। बुद्ध वहां गए, उनको बिछाया और जिस जगह बिछाया उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, वज्र संकल्प लिया, क्या कि चाहे मेरी नसें सूख जाएं, चाहे मेरा खून सूख जाए, चाहे मैं हड्डियों का पंजर मात्र रह जाऊं, मगर जब तक मैं बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर लूंगा इस आसन का त्याग नहीं करूंगा। उस आसन पर बैठे बैठे रात्रि में उनको बुद्धत्व लाभ हुआ। वो वज्र संकल्प लेकर बैठे थे इसलिए उस आसन को वज्रासन आज भी कहते हैं। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो एक मामूली सा पीपल का वृक्ष था,
बुद्ध को उसके नीचे बैठकर बुद्धत्व लाभ क्या हुआ, वो तो वृक्ष ही दुनिया के लिए पूजनीय हो गया, उसका नाम ही बोधि वृक्ष हो गया। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष का जीवन पाया, भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष का जीवन पाया, 80वें वर्ष में अपने अंतिम वर्षावास में, 45वें वर्षावास में वो वैशाली से कुशीनगर की तरफ चले और कुशीनगर पहुंचने के पश्चात उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने जीवन की अंतिम सांस ली। इसलिए वो दिन भी बुद्ध के जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण था, बौद्ध आंदोलन का एक विशेष दिन था। जितना जीवंत वर्णन भगवान बुद्ध के शरीर त्यागने का महापरिनिर्वाण सूत्र में मौजूद है, ऐसा वर्णन दुनिया के किसी भी महापुरुष के अंतिम दिनों का वर्णन दुर्लभ। ये बुद्ध के जीवन की कुछ विशेषताएं। उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उनको उरुवेल में यानी कि बोध गया में, जिस स्थान पर आजकल महाबोधि महाविहार स्थित है, वहां उनको बुद्धत्व लाभ हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में, जिसे संस्कृत में कुशीनगर कह लीजिए और पाली में कहेंगे तो कुशीनारा में, उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनका देहांत हुआ, शरीरांत हुआ, हम पाली भाषा में, बौद्धों की भाषा में कहते हैं महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण शब्द बुद्ध के अलावा हम किसी और के लिए इस्तेमाल करते नहीं। तो ये तीन पवित्र घटनाएं, तिहरी घटनाएं, तीन प्रकार के महत्व वाली घटनाएं इस वैशाख पूर्णिमा को त्रिविध पावनी बना देती, तीन प्रकार से पवित्र। अब हम देखेंगे, कुछ लोग पूछते हैं भाई ये कौन सी जयंती है। जयंती बताना मुश्किल है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर तीन अवस्थाएं हैं और वो 80 साल का अंतर है उनमें। एक है उनके जन्म की, जो 563 ईसा पूर्व की है, वो बनती है 2565वीं जयंती महापरिनिर्वाण की। और उसमें से क्योंकि वो उल्टी चल रही ना, पूर्व ईसा से पूर्व की उल्टी गिनती चलती है, तो इसलिए 2485 हो जाती है उनके जन्म की तिथि, और ज्ञान प्राप्ति की हो जाती है 2520। तो ये तिथियां हैं उनकी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस कोरोना के माहौल में हम ये बुद्ध जयंती किस प्रकार से मनाएं। अभी पिछले 14 अप्रैल के बाइट जब हमने डाली थी कि किस तरीके से मनाएं अंबेडकर जयंती कोरोना लॉकडाउन के दौरान, तो उस वक्त हमने एक बात कही थी और मुझे, हमें खुशी है इस बात की कि वो बात आज सारे विद्वानों ने उस बात को आगे बढ़ाने का, अपने विद्वता के बल पर उस पक्ष को आगे बढ़ाया। बात ये थी कि सरकार द्वारा कहा गया था सोशल डिस्टेंस बना के रखें, बहुत आपत्तिजनक शब्द सोशल डिस्टेंस, वो तो छूतछात में तो सोशल डिस्टेंस रखा जाता है। हमने कहा कि नहीं, शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस, और हमारे सारे विद्वानों ने एक मत से इस विचार को बल प्रदान किया। आज हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ लगभग 1.5 महीने का, ये भी फेल साबित हुआ, विफल हुआ। कारण क्यों कि आज ही की खबर है, आज ही की खबर है, वो कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब हम कोरोना संग जिएंगे, यानी कोरोना का भी इंतजाम चलेगा और बगैर लॉकडाउन के हमारे दफ्तर भी खुलेंगे और सारी चीजें खुलेंगी। ये काम तो 1.5 महीने पहले भी हो सकता था, इस बर्बादी के आलम से पहले भी हो सकता था, मगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मगर हम इस लॉकडाउन के दौरान बुद्ध जयंती किस रूप में मनाएंगे, इस पर हम कुछ चर्चा करें। हमसे पहले पूज्य बंते चंदीमा जी ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं
और वो सारी गाइडलाइंस किसी व्यक्ति ने भी उसमें संदेह व्यक्त नहीं किया है। वो गाइडलाइंस इस प्रकार हैं कि तीन मई को सरकारी घोषणा के हिसाब से लॉकडाउन समाप्त हो गया, वो कहने की बात है, मगर अभी लॉकडाउन पूर्णतः समाप्त हुआ नहीं है। हाँ, उसकी कमर जरूर टूटी है और 7 तारीख को भी लॉकडाउन पूरे तरीके से हटेगा नहीं, कुछ ना कुछ मौजूदगी रहेगी। इसलिए हम सावधानी के तौर पर अपने बुद्ध विहारों में जो एक सामूहिक आयोजन करते थे, सामाजिक आयोजन करते थे, धार्मिक आयोजन करते थे और सब लोग इकट्ठे होते थे और अपने महापुरुष की जयंती मनाते थे, हम इस 7 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है उसको ऐसा नहीं करेंगे। फिर कैसा करेंगे? फिर ऐसे ही करेंगे जैसा कि हमने सम्राट अशोक की जयंती पर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर, महामना ज्योतिबा फूले की जयंती पर, बीपी मंडल जी की जयंती पर, जो हमने नेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जयंती मनाई थी, उसी तरीके से बुद्ध की भी जयंती मनाएंगे। ये हमारा निर्णय है और उसको कैसे मनाएंगे, सबसे पहले आप ये समझ रहे हैं कि इसमें जो आप खर्च करने जा रहे थे वो खर्च जो बचेगा आपको, उसको जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें, भूखे लोगों के लिए, साधनहीन लोगों के लिए, जिनको आपकी मदद की जरूरत है उसे आप जरूर करेंगे। तो इस बुद्ध पूर्णिमा का अर्थ बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अपने घरों पर, बुद्ध विहारों पर तथा महापुरुषों से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों की सफाई करें, साज सज्जा करें, सजावट करें, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, यहीं से कोई आंदोलन चलता है, हमारा आंदोलन भी जो जन कल्याण का आंदोलन है यहीं से चल रहा है। स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े, मगर अगर संभव हो सके तो, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहते कहते संभव हो सके तो, संभव हो सके तो, संभव हो सके तो, अब तो संभव हो ही गया है, सफेद कपड़ों का श्वेत वस्त्र, शुभ्र वस्त्र धारण करें। 3 शब्द आते हैं, व्हाइट, श्वेत, शुभ्र, स्वच्छ कपड़े धारण करें और अपने इस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में सम्मिलित होवें। एक चीज और, अपने सुबह 4 बजे से पहले पहले जिसको कुछ खाना खा ले, उसके बाद में आप 12 बजे से पहले पहले खाएंगे, 12 बजे के बाद कुछ ठोस भोजन नहीं ले पाएंगे, ये उपोषित धर्म की मर्यादा है। भिक्खु तो रोज ही उपोषित रखते हैं, मगर उपासक लोग, मेरे जैसे सामान्य लोग, उस दिन उपासक उपासिका, बाल बच्चे सभी उपोषित धर्म का पालन करेंगे, यानी कि 12 बजे से पहले पहले भोजन करेंगे और 12 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। आगे जाके 4-5 बजे के मध्य आप पानी वगैरह पी सकते हैं, शरबत वगैरह पी सकते हैं, कोई ठोस चीज नहीं खा सकते, ये उपोषित धर्म की मर्यादा है। वो कर सकते हैं आप अपने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा, उनका चित्र, उनके सामने आप माला चढ़ा सकते हैं। आप एक चीज साबित हो चुकी है, धूप बत्ती इस्तेमाल नहीं करनी, अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करनी, और मोमबत्ती और दीपक इस्तेमाल करना है, मगर उसमें भी एक चीज का ध्यान रखें कि मोमबत्ती रंगीन नहीं होनी चाहिए, सफेद मोमबत्ती इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो रंग होता है मोमबत्ती में वो भी स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। और ये जो आपके धूप बत्ती अगरबत्ती में जो घी डालना चाहिए, वो घी की जगह आजकल गाड़ियों का इंजन बेकार वाला जो तेल होता है इंजन का, वो डाला जाता है, क्योंकि वो ज्वलनशील होता है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। तो इसलिए धूप बत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं,
रंगीन मोमबत्ती नहीं, सफेद मोमबत्ती और दीपक जला करके आप अच्छे सजावट करके अपना कार्यक्रम चलाएं, पुष्प हार और पुष्प अर्पित करें। पूजा जो शब्द अर्थ है उसका यही है, किसी के सम्मान में पुष्प अर्पित करना, उसका वास्तविक अर्थ यही है। अगला है अपने घर पर धम्म ध्वज, जिसको आम लोग पंचशील का झंडा बोलते हैं, जबकि वो पंचशील से उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें छह रंग हैं, नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी, पांच रंग हो गए ना, छठे रंग में ये पांचों रंग मिक्स होते हैं। तो ये षड रश्मि ध्वज है, धम्म ध्वज है, अपने घर पर नया झंडा लगाएं और आस पड़ोस के लोगों को पता चले कि हाँ भाई इनके घर में कुछ आज विशेष अवसर है, अलग अवसर है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। उस दिन जब आप सुबह उपोषित धर्म आरंभ करेंगे ना, तो आप किसी विद्वान भिक्खु से, शीलवान भिक्खु से, और यदि भिक्खु उपलब्ध नहीं है तो स्वयं ही अपने घर के मुखिया या अपनी घर की माताजी के नेतृत्व में या बड़ी भाभी के नेतृत्व में, जो भी महिला हो पुरुष हो उसके नेतृत्व में त्रिशरण पंचशील जरूर ग्रहण करें। त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें, त्रिरत्न ग्रहण करें और उसके अलावा आनापान सती का कार्यक्रम जरूर करें। विपसना, आनापान सती, सांस को लेकर सांस छोड़ना और सांस लेना, इसको आनापान सती कहते हैं, सती स्मृति को कहते हैं। और ध्यान साधना करें, अभ्यास करें, परित पाठ का, परित्राण पाठ को पाली में परित पाठ कहते हैं, उसके कुछ अंशों का संगायन, संग संग मिलकर के गायन करें और उसे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो जब उपोषित होता है तो आठ शीलों का पालन करना होता है, पांच शील का पालन सामान्य स्थिति में प्रत्येक उपासक उपासिका को करना होता है, जो भिक्खुओं के 227 शील हैं उसमें वो शामिल हैं, मगर उपासक उपासिकाओं को उपोषित के दिन आठ शीलों को ग्रहण करना है। तो उनको आप ग्रहण करेंगे, आज विशेष अवसर है और हमारे पास सुविधाएं भी हैं, ऑनलाइन हम धर्म प्रचार की बातें करें, घर में रहकर बच्चों को धर्म का प्रवचन करें, उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए या पुस्तक पढ़कर सुनाने के लिए प्रेरित करें, इससे माहौल बहुत धर्म प्रचार के अनुकूल बनेगा। घर में रहकर आप स्वादिष्ट भोजन बनाएं, कुछ जल्दी खराब ना होने वाले भोजन पहले से बनाने, कुछ भोजन जो पान बनाने होते, मिष्ट मीठा अन्न भोजन, मिष्टान्न से मिष्ठान बना है, यानी कि मिठाई बनी है, शब्द जो मिष्ठान बना है ना, मिष्ट अन्न से बना है, तो वो बनाए और खूब आनंदोत्सव खूब मिल करके एक साथ बैठ करके खाएं। अलग अलग खाने से परिवार नहीं बनता, एक साथ मिलकर खाएंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा, हमारे आपसी व्यवहारों का, एक दूसरे से मेल बैठने का अवसर मिलेगा। इसलिए सब सामूहिक भोजन परिवार के साथ बैठकर करें, अच्छे अच्छे भोजन खाने को मिलेंगे और अपने धर्म गुरुओं को, अपने बुजुर्गों को, उनको दान देने का अवसर मिलेगा। और याद रखना, आज के दिन अपनी बहन बेटियों को सम्मान, सम्मान का मतलब उनको दान, वस्त्र का दान, आभूषण का दान, धन का दान, उनकी उपयोगी चीज, उनके जीवन उपयोगी चीजों का दान, ये बहुत बड़ा दान है। भिक्खुओं को तो दान करेंगे, मगर बहन बेटियों को, जो आपकी बहन है, बेटी है, बुआ है, बुजुर्गों के अलावा, उनको भी दान करना चाहिए। यदि आप आ जा नहीं सकते उनके पास इस वातावरण में, तो आप वो पैसा जो उनके काम आ सकता है ऑनलाइन उनके अकाउंट में डाल दीजिए। तो ये एक बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक मंगल कार्य हो जाएगा। बहन बेटियों को उपहार देने से धर्म की मर्यादा बढ़ती है, क्योंकि बहन बेटियों का महत्व इस बौद्ध धर्म के अलावा जो बाद में आया, सबसे पहले बौद्ध धर्म में आया, उसकी बहुत सारी कथाएं, उनका यहां कहने का समय नहीं है। और शाम जब हो जाए, आजकल 7 बजे तक तो रोशनी रहती है, तो 8 बजे के समय अपने अपने घरों के आंगन में, अपने द्वार पर
मैं छत पर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब वो कहते हैं ना भाई छत पर चढ़ करके ताली बजाना, ये बड़े दुख की बात है कि आधे से ज्यादा भारत के पास छत नहीं है। उनके पास सर ढकने के अनुकूल बसेरा नहीं है, उनके पास गैलरी नहीं है, उनके पास एक ही छोटे से कमरे में 10-10 लोग सोते हैं। तो अपने जिनके पास छत है वो छत पे चढ़ें, जिनके पास गैलरी है वो गैलरी में आके करें, जिनके पास कुछ नहीं है तो वो अपने घर के आंगन में दीपक मोमबत्तियां सजा करके जलाएं, और रात में 8 बजे ये काम करना है, 8 बजे सब तरफ से जो आवाज आ रही है वो 8 बजे की आ रही है। 8 जो है आष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है, और 8 बजे अंधेरा भी हो जाएगा। दीपक तो अंधेरे में जलता है ना, दिन में दीपक जलाएंगे तो हंसी के पात्र बनेंगे, इसलिए रात को 8 बजे सब एक ही समय पर, जैसे 14 अप्रैल को आपने देखा ना, पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, चाहे मेरठ हो, चाहे आपका गाजियाबाद हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे आपका बनारस हो, चाहे आपका सब जगह रात में सब बस्तियां जगमगा गई। ऐसी जगमगाहट आज 7 तारीख की रात को 8 बजे भी होनी चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को जरूर दान दें। ये दान पारमिता का सबसे बड़ा व्यक्ति कोई संसार में पैदा हुआ नहीं, और बड़े व्यक्ति को ही तथागत कहते हैं, महान व्यक्ति को ही बुद्ध कहते हैं, महान व्यक्ति को ही भगवा कहते हैं, भगवान कहते हैं, इनलाइटेंड वन कहते हैं, ब्लेस्ड वन कहते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आपको एक गौरव प्राप्त है कि आप एक ऐसे महापुरुष के अनुयायी हैं जिसकी विचारधारा ने खून की एक बूंद बहाए बगैर सारी दुनिया को अपने रंग में रंग दिया। ये बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है। आज हम बुद्ध को नमन करते हुए, उनकी विशेषताओं को नमन करते हुए, अपने घरों के वातावरण को बुद्धमय बनाते हुए, बगैर इस कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किए बगैर अपने घरों में रह के, अगर उस दिन कर्फ्यू खुल भी जाता है तो भी हम उस दिन अपने घर में रह के शारीरिक डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बनाकर, मास्क लगाकर भीड़ के ना बैठें, थोड़े दूर दूर बैठें, और जो पकवान बनाए ऐसे मत बना लेना कि बहुत भारी हो और आप बीमार हो जाए ना। बीमार होने वाला भोजन नहीं खाना है, सुपाच्य भोजन खाना है, और खीर जरूर बनानी है। चाहे थोड़ी खाएं, खीर खाएं, खीर हमारे बुद्धों की पहचान है, बुद्ध को बुद्धत्व लाभ मिला था, खीर खा के मिला था, इसलिए उसका विशेष स्थान है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे मार्गदाता भिक्षुओं को मैं नमन करता हूं। मैं अपने जितने भी शुभचिंतक हैं जो बार बार टेलीफोन कर करके हमें इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं, मैं उन सब के प्रति भी नतमस्तक हूं। उनको भी अपने हृदय के निम्नतम तल से नमो बुद्धाय कहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।